हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, सारे भाई फिट होंगे। तो भाई आज की वीडियो के टाइटल और हमने आपने देख ही लिया होगा, आज हम अपनी गाड़ी में फिर से डैम्पिंग करने वाले हैं। और इस बार बोनेट में डैम्पिंग नहीं, क्योंकि वहाँ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हम डैम्पिंग करेंगे अपने दरवाजे में। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि मैंने अभी मतलब रिसेंटली डोर ट्रिम इंस्टॉल करी थी, और उसके बाद मैं प्लान कर रहा था कि गाड़ी में एक बार डैम्पिंग तो करवानी ही करवानी है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत पॉजिटिव आउटपुट बताया मेरे को, और ऑल्टो का स्पेशली। काफ़ी सारे हमारे भाई ऑल्टो ओनर्स ही हैं हमारे साथ, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई डैम्पिंग कराओ, उससे बहुत फ़र्क आता है। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो भाई आज की वीडियो में फाइनली हम इस दरवाजे में डैम्पिंग करने वाले हैं। और भाई मतलब देखो भाई, दो तीन ऑप्शन आपके पास रहते हैं, या तो आप फुल डैम्पिंग करा सकते हो मतलब दोनों साइड से अंदर और बाहर, या फिर आप सिर्फ एक लेयर की डैम्पिंग करा सकते हो सिर्फ बाहर की शीट में। पर मैं अपनी गाड़ी में फिलहाल दोनों साइड से डैम्पिंग करने वाला हूँ, मतलब अंदर और बाहर दोनों साइड से। अब देखो ऐसा है कि बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई ऑल्टो में दोनों साइड की डैम्पिंग मतलब क्या वर्थ करती है। देखो भाई अपना अपना मतलब सोचने का तरीका होता है। मेरे को पर्सनली एक बार मन कर रहा है कि एक दरवाजे में तो करके देखते हैं कितना ज़्यादा फर्क आता है इसको लगाने के बाद। बात करें इसका रूल ये कहता है, अगर आपने पूरी बॉडी में से मतलब जहाँ पे भी आप डैम्पिंग लगा रहे हैं 50% या 40% भी कवर कर दिया ना, या 60% कवर कर दिया, तो आपका काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आप 100% डैम्पिंग लगाओ, ठीक है, इतने से भी काम चल सकता है। पर वो उनके लिए है जिनके पास लिमिटेड शीट्स हैं। अपने पास शीट्स काफ़ी सारी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि दो लेयर की डैम्पिंग हम करते हैं इसमें अंदर बाहर से। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ, ये आधी शीट है, पूरी शीट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो है ऑलरेडी गाड़ी के अंदर डैम्पिंग कर दी है। ये जो मैं इंट्रो में बाद में बना रहा हूँ डैम्पिंग करने के बाद, ठीक है, तो ये जो शीट है आधी कट चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी शीट है, ये हमारी यॉन्कर्स की है, सेम जो हमने अपने बोनेट में करी थी इंस्टॉल। और इसका रिस्पांस सच में काफ़ी अच्छा है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कोई ब्रांडेड लो, ये वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। पर आपका काम ये वाली शीट से आराम से चल सकता है। प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये आपको अप्रॉक्स 500 या 600 के अंदर मिल जाएगी एक शीट, ठीक है। अगर किसी को लेनी हो कि इंस्टाग्राम के थ्रू ले सकता है, मिल जाती है आराम से, तो अगर आप चाहो इसे इंस्टॉल कर सकते हो। काफ़ी अच्छी शीट है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका जो मटेरियल है पिघल जाता है। सबसे मेन बात यही होती है कि अगर आप गाड़ी में कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हो, उसकी लाइफ बहुत मैटर करती है कि उसकी लाइफ कितनी है, कहीं आपकी गाड़ी को डैमेज तो नहीं करेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इसे बोनेट में यूज़ कर रहा हूं। आप समझ सकते हो कि गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर कितनी ज़्यादा हीट होती है, जब वो इस शीट का कुछ नहीं कर पाई तो अंदर कैबिन के अंदर क्या ही हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और होती है, कितनी मोटी शीट आप इंस्टॉल कर रहे हो गाड़ी पर। देखो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ज़्यादा मोटी इंस्टॉल करोगे दरवाजे में, स्पेशली ऑल्टो जैसे दरवाजे में, क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत नैरो होती है, ट्रिम होती है ना बहुत नैरोली लगती है। ज़्यादा मोटी डैम्पिंग शीट लगा लोगे तो आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने भी बहुत चौड़ी नहीं ले रखी है, लिमिटेड साइज़ के लिए रखी है, जो आराम से काम करेगी। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों घर चलते हैं और डैम्पिंग का काम स्टार्ट करते हैं। गाइस तो गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, अब हम बात करते हैं हमारी डैम्पिंग शीट्स के बारे में, कौन सी शीट्स हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यॉन्कर्स की इस बार फिर से जो डैम्पिंग शीट है उसे इंस्टॉल करेंगे। क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ फिर से बता देता हूँ कि भाई एक तो जो इसका रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है, मैं बोनेट में यूज़ कर चुका हूँ इसको, मतलब बहुत बढ़िया है एकदम। जो इसका ग्लू है वो भी नहीं निकलता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। दिखा देता हूँ आपको मैं, ऐसी कुछ ये शीट मिलती है आपको गोल्डन फिनिश में पूरी मिल जाएगी, और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब दो शीट हम कोशिश करेंगे कि दरवाज़ा पूरा कंप्लीट हो जाए हमारे इन दो शीटों में, क्योंकि इससे ज़्यादा शीट लगाएंगे तो फिर वो मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ दो में कंप्लीट हो जानी चाहिए होपफुली, बाकी देखते हैं अगर कम पड़ेगी तब इंस्टॉल कर लेंगे। मतलब मैं ये है कि मैक्सिमम एक दरवाजे में दो से ऊपर शीट्स नहीं लगाने वाला हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो ही शीट हमारी एक दरवाजे के अंदर फिट होंगी। तो अभी इस साइड के दरवाजे की मतलब मैंने आपको सब बता दिया था ना कि क्लिप्स वगैरह सब आ गए, तो सब इसमें आराम से फिट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो लेयर में इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, एक अंदर की लेयर और एक बाहर की लेयर। तो सबसे पहले अपना जो पूरा डोर पैनल है उसे खोल लेते हैं, उसके बाद फिर इसका इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डोर पैनल को खोल लेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये एक नट ये खोलना होगा, और एक इसके अंदर में नट है, बाकी क्लिप्स हैं मतलब लॉक्स हैं, तो वो आराम से खींचेंगे निकल जाएंगे। तो वो प्रोसेस आपने देख ही रखा है, तो मैं उस प्रोसेस को आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसका पूरा ट्रिम जब निकल जाता है उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। दिखा देता हूँ कैसी इसकी आवाज़ आती है जब हमने डैम्पिंग शीट नहीं लगा रखी है मतलब स्टॉक कंडीशन में, तो देख लो, ठीक है। पूरी खोखली साउंड आ रही है, जब इसको लगा लेंगे फिर आपको इसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा कि तब कैसी आवाज़ आती है। देख सकते हो डोर पैनल हमने पूरा अच्छे से रिमूव कर दिया यहाँ पे। अब देखो ये जो लगी है ना, ये बहुत पतली सी शीट, ये भी कंपनी की डैम्पिंग होती है, कंपनी इसे भी डैम्पिंग बोलती है। मेरी नज़र में तो भाई कुछ नहीं है, एक प्लास्टिक की पूरी शीट लगा के दे रखी है, बस खत्म, ठीक है। तो इसे हटा लेंगे और पूरा अच्छे से रिमूव कर देंगे।
अब बात आती है कि शीट कैसे कैसे लगा सकते हैं। देखो आपके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं। बेसिकली फार्मूला ये कहता है कि अगर आपने 40-50% पार्ट भी कवर कर दिया तब भी आपकी डैम्पिंग शीट अच्छा काम करती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो 50-40% भी कवर कर सकते हो, पर अगर आपको पूरा ही पार्ट कवर करना है जैसे मैं करने वाला हूँ तो वो प्रोसेस भी अच्छा रहता है। उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि शीट जो है काफ़ी अच्छे से लग जाती है। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ, अपना जितना भी पार्ट है पूरा कवर करेंगे। एक तो अंदर का लेयर पूरी कर देंगे, जैसे कि देख सकते हो आप अंदर की लेयर है पूरी, इसे अच्छे से मतलब पहले साफ करेंगे, फिर एक शीट पूरी लगा लेंगे पीछे पे। उसके बाद बाहर से जितना भी ओपन एरिया है इसको हम पूरा कवर करेंगे। इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा जब भी आप डैम्पिंग करें, क्योंकि काफ़ी बार ये दिक्कत करती है वायर, तो कोशिश करिएगा कि ये सेफली जो है अच्छे से काम करे। गन की वायर होती है। उसके बाद स्पीकर के यहाँ की बात रहती है, तो देखो मैं इतने पार्ट को छोड़ दूंगा, क्योंकि जब कंपोनेंट इंस्टॉल करूंगा तभी यहाँ पे जो स्पीकर है उसे चेंज करूंगा, तो इसीलिए इतना पार्ट जो है उसको छोड़ देंगे एज इट इज़। बाकी जितना भी हिस्सा है उसके ऊपर पूरी शीट लगा लेंगे। तो चलिए काम करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारे दरवाजे की पूरी सफाई हमने कर ली है, मैक्सिमम पार्ट जो जिस जिस पार्ट में जो है डैम्पिंग शीट लगने वाली है वो पार्ट अच्छे से हमने साफ कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको डैम्पिंग शीट लगानी है। देखो बहुत बेसिक सा प्रोसेस होता है, सबको पता ही होगा, फिर भी अपनी तरफ से एक साइड एक बार मैं बहुत बता देता हूँ आपको। देखो भाई इसमें क्या होगा, अगर आपको पाइप दिखेगी तो आपको इसके ऊपर भी डैम्पिंग शीट लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप डैम्पिंग शीट इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, इस पाइप के कवर करेंगे पूरा अच्छे से। उसके बाद अंदर जो यहाँ पे लाइन देख सकते हो, इसके ऊपर भी इस पार्ट को भी पूरा कवर करेंगे, और जो अपनी पावर विंडो है उसे पूरा ऊपर कर लेंगे हम अच्छे से। पावर विंडो के ये ब्रैकेट्स होते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसके पीछे वाले पार्ट को अच्छे से पूरा कवर कर लेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले पीछे वाले पार्ट में डैम्पिंग शीट लगा लेते हैं। अब देखो इस वाले दरवाजे में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। एक मैं यहाँ से हाथ डाल सकता हूँ, ऊपर से डाल सकता हूँ, मैंने स्पीकर भी हटा लिया यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ की हेल्प से आप अंदर आराम से हाथ डाल के इसे लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अंदर की डैम्पिंग शीट लगाना स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए हमारी एक शीट से, दूसरी शीट से हम बाहर के पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शीट को काटते हैं और फिर अंदर लगाना स्टार्ट करते हैं। जी भाई, तो फाइनली जैसे कि आप देख सकते हो हमने मैक्सिमम पार्ट जो है अंदर का कवर कर दिया है पूरा, ठीक है। अभी कुछ पार्ट बचा है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा बच रहा है और ऊपर पे भी, और इतना सा पार्ट और बचा है, ठीक है। तो अगर इसको भी कवर कर लेंगे वैसे काम हमारा जो है ना हो चुका है। आपको मैं आवाज़ में फ़र्क दिखा देता हूँ। फ़र्क आ चुका है और देखो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके चक्कर में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। चलो फटाफट से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट पे भी हम डैम्पिंग शीट लगा लेते हैं और उस साइड से भी लगा लेते हैं। वैसे ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बट अब क्या करें, मैं गाड़ी खोल चुका हूं और इस टाइम पे बारिश आ रही है, देखते हैं कैसा रहता सब कुछ। सबसे पहले उस पार्ट को कवर कर लेते हैं, और अगर बहुत तेज़ बारिश आ जाएगी तो गाड़ी के अंदर बैठ के ही डैम्पिंग लगा लेंगे, फिर और कोई ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि आज अपने को इसको पूरा फाइनलाइज करना ही करना है। तो चलिए इस पार्ट को कवर करते हैं और इस वाले पार्ट को, दो पार्ट बचते हैं। इसको कवर करने के बाद अंदर का हमारा काम हो जाएगा, फिर बाहर से हम डैम्पिंग का काम स्टार्ट कर देंगे। बारिश तेज़ हो चुकी है इसलिए अब अंदर बैठ के काम करना, अंदर ही आ चुका हूँ। बारिश थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, बट कोई इशू नहीं है, क्योंकि पता है क्या, एक बात बोलूँ आपको, मैं अंदर बैठ के ज़्यादा अच्छे से लग रही है,
क्योंकि मैं अपने हाथ से पूरा प्रेस कर पा रहा हूँ। ऐसा है ना, मैंने बहुत से पार्ट शूट नहीं करा है यहाँ पे, पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने इसको बहुत देर से प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये शीट अच्छे से चिपक जाए और बार बार निकले ना। अगर मेरे पास अभी रोलर होता तो ज़्यादा बेनिफिट होता, बट अभी रोलर एकदम आ भी नहीं सकता था और ये मैंने शीट जो है अभी थोड़ी देर पहले ही ली है, तो उसको लेने में कम से कम, मतलब डिलीवरी होने में कम से कम 3 से 4 दिन और लग जाते, इसलिए मैंने कहा हाथ से ही काम करता है और हाथ से भी अच्छे से हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ रोलर ही चाहिए यहाँ पे। तो ठीक है, अब देखो अंदर से हमने पूरा अच्छे से पार्ट जो है कवर अप कर दिया, देख सकते हो आप, ठीक है, और बहुत फ़र्क आ चुका है। अब हमारा बाहर का पार्ट बचता है, मतलब इस वाली पूरे ट्रिम को हम कवर करेंगे, और इसको कवर करने से पहले स्पीकर को लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि उससे क्या होगा ना, हमें स्पेस का पता चल जाएगा और कटिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है भाई, खासकर इसका, क्योंकि ये दिक्कत करता है। तो जब मैं फिट करूँगा आपको दिखा दूंगा आप कैसे कैसे इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी पूरी फिटिंग कर लेता हूँ, एक बार शीट को लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे, मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है और दरवाजे में कितना फ़र्क आ रहा है। जब हम म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं तो आवाज़ और इन सब में क्या फ़र्क आ रहा है सब आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले दरवाजे के ऊपर हम फिर से पूरी जो अपनी डैम्पिंग शीट है उसे लगा लेते हैं, फिर मैं आपको इसका आफ्टरऑल रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरी अच्छे से गाड़ी का दरवाज़ा डैम्प हो चुका है, डुअल लेयर में हमने डैम्प करा है, मतलब अंदर की साइड से भी करा है और बाहर की साइड से भी कर रखा है, मतलब गाड़ी अच्छे से डैम्प हो चुकी है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको आपको डैम्प ज़रूर करना चाहिए, खासकर एक ये जो आपका होती है लॉक जो होता है, इसमें क्या होता है ना, इसमें खाली एक स्पॉन्ज जैसा लगा होता है, तो वो कुछ काम का होता नहीं है, वो थोड़ा बहुत आवाज़ कम कर सकता है, बट देखो ये यहाँ भी टकरा सकता है यहाँ भी, तो हमने इसको पूरा अच्छे से लगा दिया इसमें, तो कब ये बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है, जो गड्ढों में आवाज़ आती है कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी ये पार्ट जो है गाइस इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ऊपर से पूरी ट्रिम आ जाएगी। यहाँ पे भी हमने जो वायर का है बहुत आराम से करा है कनेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हो वायर में कोई भी इशू नहीं आएगा, इतना बीच में गैप है और वो चिपकेगा नहीं कभी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप डैम्पिंग की क्वालिटी चेक कर सकते हो, ठीक क्वालिटी में करा है, देखो अपने हाथ से काम करा है, फिर भी मैं कहूँगा काफ़ी सही काम हो रखा है। और सबसे मेन बात, अपने हाथ से सेटिस्फेक्शन अलग ही आता है, चाहे आप बाहर से कराओ कुछ कराओ वो अलग चीज़ होती है, पर अपने हाथ से करी हुई चीज़ का मज़ा ही अलग आता है। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भाई सिर्फ एक लेयर से भी काम चल सकता था, देखो भाई अपनी अपनी चीज़ें अपने अपने शौक हैं, और मेरे को एक बार मन था कि एक बार मैं दोनों साइड से डैम्प करा के देखूँ कि इस गाड़ी में कितना फ़र्क आता है। फिलहाल वेट की बात करूँ तो दरवाजे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या फ़र्क आ रहा है बाहर से, देखो एक बार यहाँ की आवाज़ सुनो और यहाँ की सुनो, मेरे ख्याल से फ़र्क आप समझ चुके होंगे इस आवाज़ के ज़रिए। फिर से एक बार सुना देता हूँ भाई, यहाँ से फेंडर की आवाज़ सुन लो और यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ बाहर से फ़र्क नहीं आया है, गाड़ी के अंदर भी डेफिनेटली फ़र्क आएगा ही आएगा। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि गाड़ी में जो अब जो रेटलिंग साउंड है वो सब खत्म हो चुकी है, तो अब सिर्फ हमारे सिस्टम की आवाज़ आएगी। फिलहाल मैं इस दरवाजे को पूरा पैक कर लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद आपको एक साउंड टेस्ट भी करवा के दिखा दूंगा कैसी इसकी आवाज़ आ रही है। और ओवरऑल बड़ा अच्छा काम था, बड़ा मज़ा आया इसको फिट करके। अभी दूसरी साइड का नहीं कर रखा है, सिर्फ इस साइड से ही करा है मैंने, देख लो
आधी शीट अभी भी बची हुई है और मैंने बहुत ज़्यादा शीट लगाई है, मतलब जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे लगाया, उसके ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा ही लगाई है, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लगा रखी है, फिर भी आधी शीट बची हुई है। मतलब आप कह सकते हो कि ऑल्टो में आराम से आप डेढ़ शीट के अंदर पूरा काम कर सकते हो, अगर बहुत कम कम लगानी है ना तो एक शीट में भी काम चल जाएगा आपका, करने पे बात है कैसे आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो। तो चलिए अब इस दरवाजे को पूरा पैक कर लेता हूँ, मतलब इसमें पूरा पैनल वगैरह लगा लेता हूँ और फिर इसका साउंड टेस्ट करते हैं। और फिर से मैं कहूँगा दरवाजे का वेट बहुत बढ़ चुका है, अब ये ऐसे कैमरे में समझ में नहीं आएगा आपको, पर रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा हैवी दरवाज़ा, मतलब इस दरवाजे के 2-3 गुना ज़्यादा भारी ये दरवाज़ा बन चुका है। अच्छा भी लग रहा है, हालांकि इससे कोई सेफ्टी नहीं बढ़ने वाली है ना इसकी मेटल की क्वालिटी में कोई फर्क पड़ेगा, बस एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि हाँ अब दरवाज़ा थोड़ा सा मोटा हो चुका है। फाइनली इंस्टॉल कर दिया हमारी डोर ट्रिम हमने यहाँ पे और डैम्पिंग तो हो चुकी है गाड़ी में, फ़र्क मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है, फिर से आपको थोड़ा आवाज़ सुना देता हूँ भाई बहुत ज़्यादा फर्क है और मतलब दरवाजे का वेट काफ़ी ज़्यादा है, पहले भी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ दरवाजे का काफ़ी ज़्यादा वेट है इसमें, और ठीक है पर देखो आराम से दरवाज़ा बंद हो रहा है, कोई इशू नहीं है, मतलब सही लग रहा है। आवाज़ में कितना फ़र्क आया है, ट्रस्ट मी गाइस बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, क्योंकि मैं अभी इसको पूरी ख़राब रोड से लाया, ये DPS हल्द्वानी है और आपको पता है अगर आप यहाँ रहते हो तो आई की रोड थोड़ी ख़राब ही है, वहाँ पे मैं 1% आवाज़ सुनाई नहीं थी पहले, इस दरवाजे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। आवाज़ किस चीज़ की आती थी, जो अंदर तारे लगती थी और ये जो ट्रिम थी खड़खड़ करती थी, अब वो चीज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और गाड़ी अंदर से थोड़ा साउंड प्रूफ भी हो गई है। अगर आप मेरी बात भी यकीन नहीं कर रहे तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, करके देखो आपको पता चल जाएगा। आप एक काम करो, अपनी गाड़ी से ट्रिम हटा दो, ठीक है, ट्रिम हटाने के बाद गाड़ी चलाओ, आपको साउंड में फ़र्क आ ही जाएगा, क्योंकि मेरे को तब फील हुआ था जब मैंने चारों ट्रिम हटाई थी अपनी, मेरे को ट्रिम के अंदर पूरी ब्लैक शेड्स करवाने थे गाड़ी में, उस टाइम पे बहुत साउंड आ रही थी। तो अगर आपको ये टेस्ट करना है करके देख लीजिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, एक सॉन्ग आपको मैं सुना देता हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसी इसकी आउटपुट आ रहा है। आउटपुट इसका पहले भी बहुत अच्छा आता था, अभी भी बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब अब आप कुछ अच्छे कंपोनेंट्स अपग्रेड कर वैल्यू फॉर मनी रहेंगे तो अब आप इसमें लगा सकते हो। तो चलिए गाइस एक बार साउंड टेस्ट कर लीजिए कैसी इसकी साउंड आ रही है। देखो मेरा यहाँ पे रीज़न आपको इसका बेस सुनाना ये सब नहीं है, मेरा रीज़न मतलब मैं क्यों आपको ये सुना रहा हूँ, मेन बात इसकी जो आवाज़ थी भड़बड़ करके आती थी ना, वो आवाज़ सब चली गई, मैं इसलिए आपको बेस वाला गाना सुना रहा था जिसमें बेस अच्छा हैवी आ रहा था। तो यही मकसद था कि जो इसके अंदर से खड़खड़ रेटलिंग नॉइज़ आती थी वो नॉइज़ अब जा चुकी है, जो नॉर्मल साउंड आ रही है बहुत ही प्यारी आ रही है। अभी सेम इस साइड से भी करना है, इस साइड करानी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी अगली किसी मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ। अगर आपको ये लेने होंगे आप ले सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।